से आया, देख सकते हैं इस पुल से पैदल ही आया अभी हम लोगों को, 2 किलोमीटर और पैदल पहुंचना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और देख सकते हैं भाई मैं भी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। तो दोस्तों सुबह सुबह अपनी तैयारी हो रही है सुंडला जाने की, और दोस्तों सामने देख सकते हैं, तो दोस्तों ये जो है ये सुंडला देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे अभी यहीं जाना है, और दोस्तों आज मौसम देख सकते हैं बादल भी है और धूप भी है, और लेकिन बारिश नहीं है। और दोस्तों पिछले कल तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और अपने यहाँ दोस्तों इस साइड देख सकते हैं यहाँ पर हुआ था लैंडस्लाइड, और इसकी जो मिट्टी है हम हटा रहे थे, पर कल फिर से बारिश हो गई है तो ये जो मिट्टी है काफ़ी गीली है, तो आज हम लोग इसकी मिट्टी जो है नहीं हटाएंगे, 2-4 दिन यहाँ पर धूप लगने देंगे, उसके बाद दोस्तों मिट्टी जो सूख जाएगी उसके बाद फिर से हटाएंगे। तो देख सकते हैं इतना सारा काम हमने कर दिया था। अभी दोस्तों चलते हैं सुंडला की ओर। मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की जो सड़क है, देख सकते हैं मेरे पीछे, तो मैं वहीं पहुंच चुका हूं। और यहां से दोस्तों रोड है कोटी में, तो वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर का दोस्तों जो पैदल सफ़र है वो करके जाना पड़ता है। वैसे रोड तो है लेकिन अपनी यहां कोई गाड़ी आती नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों अपनी गाड़ी हो तभी जो है वो इस रोड से जा सकते हैं, तो वो मेरे पास तो अपनी गाड़ी है नहीं, तो मैं डेली दोस्तों पैदल सफ़र करता हूँ जब भी मुझे कोटी जाना होता है। तो अभी दोस्तों 3 किलोमीटर मुझे वहाँ पहुँचना है नीचे, और कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, और रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं दोस्तों कैसी है। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी रोड में, और देख सकते हैं दोस्तों निखिल भी साथ में है, और साथ में है दोस्तों सामू भाई, और ये दोस्तों मनोज भाई, ये देख रहे हैं। तो ये हैं दोस्तों, वो वैसे तो ये बिहार से हैं लेकिन यहाँ पे दोस्तों काम कर रहे हैं अभी, और हम लोग दोस्तों पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी जो रोड है दोस्तों पूरी तरह से बंद है, बस कोई आ ही नहीं रही है, और गाड़ी छोटी गाड़ी हमें ले नहीं रही है, तो हम लोग दोस्तों पैदल ही निकल रहे हैं। और निकल देख सकते हैं कैसे आगे आगे ऐसे 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 भाग रहा है, और दोस्तों हमें अभी सुंडला तक ऐसे पैदल ही चलना है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है दोस्तों सियूर नदी, वो तो इसी नदी के साथ साथ दोस्तों हमको सुंडला तक पहुँचना है। तो अभी दोस्तों हम लोग वहाँ से आए, देख सकते हैं इस पुल से पैदल ही आए हैं, अभी हम लोगों को 2 किलोमीटर और पैदल पहुँचना है। देखो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सुंडला, और ये दोनों निकल चुके हैं दोस्तों मेन बाज़ार के लिए, सामू भाई और मनोज भाई। तो इस ये जो रोड है दोस्तों ये मेन बाज़ार के लिए जाती है, लेकिन हमें जाना दोस्तों इस साइड लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें जाना है यहाँ ऊपर। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये जो एरिया है ये दोस्तों NHPC का एरिया, पर ये जो रोड है दोस्तों ये रोड निकल रही है किसी दूसरे गांव के लिए, पहले ये NHPC का ये एरिया था। और ये देख रहे हैं जितनी भी बिल्डिंग है दोस्तों, पहले यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती थी दोस्तों, पहले यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते थे इन बिल्डिंगों में, ये देख सकते हैं, लेकिन अब बहुत ही कम लोग रहते हैं यहाँ पर, 20-25 लोग रहते हैं इन सारी ही बिल्डिंगों में। तो अभी दोस्तों ये बेकार पड़ी हुई है, धीरे धीरे दोस्तों खंडहर बनती जा रही हैं, तो सारा समय का हिसाब है दोस्तों। और यहाँ पर बैठे हुए रविंदर भाई, तो हमें दोस्तों इसी घर में काम है, तो अभी मिलते हैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों देख सकते हैं मैं सुंडला से घर पहुँच चुका हूँ, और साथ में रविंदर भाई भी आए हुए हैं। तो दोस्तों सुंडला से मुझे पहुँचे लगभग 1 घंटा हो चुका है, और अभी दोस्तों हम लोग ये जो मिट्टी है दोस्तों ये हटा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सूख चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मिट्टी को थोड़ा हटा देते हैं, वरना फिर से बारिश हुई तो ऊपर से और मिट्टी आएगी। हम लोग हटा रहे हैं इस मिट्टी को, और बाद में दोस्तों इस जगह दीवार लगा देंगे वहाँ से वहाँ तक, ताकि ये जो मिट्टी है ऊपर यहीं रुक जाए।